दोस्तों स्वागत है आपका आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग से। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की ये 22 खिलाड़ी जो हैं वो हो चुके हैं बाहर, जो कि अपनी टीमों से शुरुआती हफ्ते में हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। कौन से हैं दोस्तों ये 22 खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी कौन सी टीम से है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर आप भी पसंद करते हैं क्रिकेट तो एक बहुत ही कूल ऐप ट्राई कर सकते हैं, जो कि है माई 11 सर्कल, जहां पर दोस्तों आप चैंपियंस के साथ कंपीट कर सकते हैं, जैसे कि सेन वॉटसन, राशिद खान और सौरव गांगुली जैसे। यहां पर आपको अपनी टीम बनाना काफी आसान है, जहां पर आपको दोनों ही टीमों से 11 खिलाड़ी जो है वो चुनने होते हैं। दोस्तों ये सीपीएल भी जो है माई 11 सर्कल पर चल रहा है, जहां पर आप 1 करोड़ तक की प्राइस जीत सकते हैं, और जो भी अमाउंट आप जीतते हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाने वाला है। यहां पर दोस्तों एक यूनिक बटन भी है इस ऐप में, जो कि है रम्मी सर्कल का, यानी कि मैच अगर नहीं भी आ रहा तो आप यहां पर बोर होने वाले नहीं है। तो जरूर से इस ऐप को ट्राई करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर ज्वाइनिंग बोनस आप 1500 तक जो है वो पा सकते हैं। चलिए दोस्तों टॉपिक की बात करते हैं, जहां पर बात करते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के उन 22 खिलाड़ियों की, जो कि आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग करने वाले हैं मिस। सबसे पहले दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है सितंबर में, जिसका आखिरी मैच जो है वो 16 सितंबर को खेला जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो है वो 17 तारीख को यूएई पहुंचेंगे, लेकिन यूएई पहुंचने के बाद उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। ऐसे में वो खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन होता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में, वो हमें पहला हफ्ता जो है मिस करते हुए नजर आएंगे, अपनी टीम की तरफ से पहला मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और यहां पर इसीलिए सभी टीमों की निगाहें थी स्क्वाड के ऊपर कि किस तरह का स्क्वाड जो है इंग्लैंड की टीम अनाउंस करती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस करती है, और उनके कितने खिलाड़ी इस स्क्वाड में शामिल होते हैं। और यहां पर फाइनली दोनों ही टीमों ने अपने अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। और आपको बता दें कि ऐसे 22 खिलाड़ी हैं जो कि इस स्क्वाड में शामिल हैं और आईपीएल 2020 भी खेलने वाले हैं, आईपीएल 2020 में भी किसी न किसी टीम का हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों एक एक कर सभी टीमों की बात करते हैं कि किस टीम के पास कितने खिलाड़ी हैं जो कि स्टार्टिंग के मैचेस करेंगे मिस। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की, तो आरआर के पास टोटल 5 ऐसे प्लेयर हैं जो कि दोस्तों इस सीरीज का हिस्सा हैं, जिनमें जॉस बटलर हैं, टॉम करन हैं, जॉफ्रा आर्चर हैं, ये 3 इंग्लैंड के प्लेयर हैं। वहीं दोस्तों स्टीव स्मिथ और एंड्रू टाई, ये 2 जो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। तो ये 5 प्लेयर हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा हैं और इस सीरीज में भी खेलते हुए नजर आने वाले हैं, यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम शुरुआती मैचों में हमें दोस्तों 4 फॉरनर के साथ भी नजर नहीं आएगी। बात करें दोस्तों अगली टीम की, जहां पर बात करते हैं केकेआर की, तो केकेआर के भी दोस्तों 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस सीरीज का हिस्सा हैं। सबसे पहले हैं दोस्तों इयान मॉर्गन, दूसरे हैं टॉम बेंटन, ये दोनों इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और तीसरा नाम है दोस्तों पैट कमिंस का, जिनको इन्होंने बहुत ही बड़े भाव में खरीदा है और ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में शामिल है। तो 3 खिलाड़ी केकेआर के भी हैं। अगली टीम की बात करते हैं, जहां पर बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भी दोस्तों यहां पर 4 खिलाड़ी जो हैं इस लिस्ट में शामिल है। सबसे पहला नाम है मोइन अली का, दूसरा नाम है दोस्तों एरन फिंच का, तीसरा नाम जॉस फिलिपी का, और चौथा नाम है एडम जांपा का। ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्क्वाड का हिस्सा हैं और इस सीरीज का भी हिस्सा हैं। अगली टीम की बात करते हैं, जहां पर बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की, तो हैदराबाद के भी दोस्तों 3 खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे पहले जॉनी बेस्टो, दूसरे हैं दोस्तों डेविड वार्नर, और तीसरे हैं मिचेल मार्स। तीनों ही खिलाड़ी जो हैं इस स्क्वाड में शामिल हैं। अब बात करें दोस्तों अगली टीम की, जहां पर बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की, तो सीएसके के भी 2 प्लेयर जो हैं इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे पहले सैम करन और दूसरे हैं दोस्तों जॉस हेजलवुड, दोनों का ही सिलेक्शन जो है यहां पर हुआ है इस सीरीज के लिए, तो वो भी हमें पहला मैच मिस करते हुए नजर आएंगे। अगली टीम की दोस्तों बात करते हैं, जहां पर बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स के भी 3 खिलाड़ी जो हैं यहां पर शामिल हैं इस सीरीज में। सबसे पहले हैं दोस्तों मार्कस स्टोइनिस, दूसरे हैं एलेक्स कैरी, और तीसरे हैं डैनियल सैम्स। तीनों ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और तीनों ही यहां पर इस सीरीज में शामिल हैं। बात करते हैं दोस्तों अगली टीम की, जहां पर बात करेंगे किंग्स 11 पंजाब की, तो पंजाब के भी 2 प्लेयर इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे पहले दोस्तों क्रिस जॉर्डन और दूसरे हैं यहां पर ग्लेन मैक्सवेल। तो ये 2 खिलाड़ी किंग्स 11 पंजाब के भी हैं जो कि इस सीरीज में हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने बात करी सभी टीमों की, जहां पर टोटल 22 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस सीरीज में हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं और यहां पर आईपीएल 2020 में किसी ना किसी टीम के स्क्वाड का हिस्सा है, यानी कि स्टार्टिंग का मैच ये खिलाड़ी मिस करते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, इससे कौन सी टीम को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, इन 22 खिलाड़ियों के जाने से कौन सी टीम को होने वाला है सबसे ज्यादा नुकसान? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।